19वीं सदी के 36वें बसंत में अनमोल रत्नों को पैदा करने वाली हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसे सूरज का उदय हुआ जिसके तेज से आगे चलकर आध्यात्म जगत को कई और अनभिज्ञ गहराइयों का ज्ञान हुआ। पश्चिम बंगाल के कमारक पुकुर गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ ये बच्चा आगे चलकर एक ऐसा संत बना जिसके विचार और उपदेश आज भी देश विदेश में लाखों लोगों को सुकून और शांति का एहसास कराते हैं। हालांकि इस महापुरुष ने भले ही 50 बसंत देखने के बाद ही इस सांसारिक माया के जाल को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर ली, लेकिन उनके आचरण, विचार और उपदेश ने उन्हें आधुनिक युग के भगवान का दर्जा दिला दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने और समाज सेवा करने के मकसद से एक ऐसी संस्था की नींव डाली जिसके ऊपर एक बड़ी मंजिल बनकर आज हिंदुस्तान और बाहर के देशों में भी लाखों लोगों के लिए छतरी का काम कर रही है। विवेकानंद ने इस संस्था बनाई 1897 से 1897 का मतलब 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन हुआ कलकत्ते में। पश्चिमी देशों की यात्रा से लौटने के बाद पश्चिम बंगाल के बारा नगर में स्वामी विवेकानंद जी ने इस मठ की स्थापना मई 1897 में की जिसका नाम बाद में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन हो गया, लेकिन 1897 में इस मठ को शिफ्ट कर हावड़ा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर बेलूर में किया गया। इस मठ का पंजीकरण 1907 में एक ट्रस्ट के रूप में किया गया। धीरे धीरे इस मठ ने अपना विस्तार देश विदेश में कर लिया है। दरअसल रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों ही संस्थाएं अलग अलग काम करती है, जहां रामकृष्ण मठ धर्म और रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार प्रसार का काम करता है, वहीं मिशन मुख्य रूप से समाज कल्याण से जुड़े कार्यों में अपने संसाधनों को लगाता है, लेकिन संचालन की बागडोर रामकृष्ण मठ के ही हाथ में होती है। ये एकमात्र संप्रदाय ये रामकृष्ण विवेकानंद सरदेव परंपरा यही सब धर्म लेके चल सकते हैं। हम लोग का भी इवन मोनास्टिक्स के अंदर भी कोई कोई है वो पूर्वाश्रम में मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, देर आर फॉरिनर्स, देर आर पीपल फ्रॉम जापान, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, बिकॉज द रिलीजन ऑफ रामकृष्ण नथिंग इज डिस्कार्डेड, एवरीथिंग इज इंटेग्रेटेड। दरअसल 19वीं 20वीं सदी में हमारे समाज के अंदर जाति धर्म, ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला बहुत ज्यादा था और उस समय रामकृष्ण जी ने इस सबसे समाज को ऊपर उठाने के मकसद में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। ये मिशन विभिन्न जाति और धर्म के बीच समरसता स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों और राष्ट्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम भी करता है। इसका मकसद आधुनिक और पुरातन परंपरा के बीच समन्वय बनाने के साथ ही मानव जीवन के संतुलित विकास के लिए उसके संस्कारों और मूल्यों को सही दिशा प्रदान करना भी है। आज जबकि इस दौर में समाज भ्रष्टाचार और बेईमानी के चंगुल में पूरी तरह जकड़ लिया गया है, तब ये मिशन समाज के हर क्षेत्र में अपनी के हर क्षेत्र में कर रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या गरीबों और अनाथों के कल्याण का काम, इसकी शाखाएं अपनी ठंडी छाव में रामकृष्ण जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने में जी जान से लगी हुई है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन अभी अब 100 साल से अधिक भारत में चारों ओर करीब करीब 110 या इससे अधिक केंद्र बन गया है और विदेशों में भी करीब करीब 40 से अधिक केंद्र है और हमारे लिए उन्होंने आदर्श हमारे सम्मुख रख दिया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनुमोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात जो आत्मनुमोक्षार्थम अपने मोक्ष के लिए और साथ साथ जगत के हित के लिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ साधु बनते हैं वो लोग हर एक व्यक्ति इसीलिए वो लोग जीवन बिताएंगे। वहीं किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होने पर भी इनकी शाखाएं
बेसहारा और मजबूर लोगों के पुनर्वास जैसे कामों में सबसे पहले शामिल होती है। आज रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि उनके विचार और उपदेश आज भी संसारी झंझावातों में परोक्ष रूप से जन जन की भटकाव भरी दशा को दिशा दे रहे हैं।